हाई गाइज दिस इज डॉक्टर प्रिया कॉल वंस अगैन वेलकमिंग यू ऑन द साई गाइडेंस ऑन एवरी थर्सडे और आज मैं देखती हूँ कि बाबा हमें क्या समझाने और गाइड करने के लिए आई हैं और और आज बाबा हम सारे सामने जो बाबा की कृपा से तीन कार्ड्स रखे हुए हैं उनमें से पहला कार्ड के ऊपर रखा है रोज को क्रिस्टल दूसरे कार्ड पे रखे हैं जेड और तीसरे पे सेलेनाइट। आप देख सकते हैं मैंने इस बार बहुत ही प्यारे क्यूट लुकिंग बुद्धा स्क्रिप्चर यूज़ करा है अगेन बुद्धा फिगरीन या बुद्धा आल्सो हेल्प्स यू टू तो एनलाइटन बुद्धा आल्सो हेल्प यू टू तो गिव यू पीस तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन हो रही थी कि मैं इस बार की जो भी रीडिंग्स करूँगी उसमें बुद्धा फिगरीन ज़रूर यूज़ करूँगी और आपने ये भी नोटिस करा होगा कि मैंने साईं बाबा का स्टैचू को रिप्लेस करा है एंजल के स्टैचू से बिकॉज इस एंजल के साथ मैं बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट कर रही हूँ आजकल एंड आई फील दैट दिस एंजल हैज़ एन इंटेंसिटी हैज़ अ पावर ऑफ बाबा मैं मुझे लगता है कि शायद आप भी इसको फील करेंगे ऑल सो अगेन प्रक्रिया सेम रहेगी आपको मेडिटेशन करना है एक मिनट के लिए बिल्कुल शांत हो जाना है अपने मन में से जितनी भी स्टोरीज़ चल रही हैं उन सबको रोकना है और यू हैव टू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट इस घड़ी में इस हालात में इस समय में आपको वापस आना है ध्यान करना है और बिल्कुल शांत मन से बाबा से पूछना है कि बाबा मेरे लिए आज कौन सी गाइडेंस है और उसके बाद जो भी क्रिस्टल आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है वो रीडिंग रहेगी आपके लिए सो so अगर आपने रोज वर्ड्स को चूज करा है तो आज देखते हैं बाबा क्या कहते हैं आपसे शब्द यानि कि एक्सप्रेशंस रीड द वर्ड्स अटर्ड बाय मी यू विल गेट योर स्ट्रेंथ आई एम कॉन्स्टेंटली टॉकिंग टू यू आर यू लिस्निंग Words are an important part of human evolution. The way you communicate makes a difference. The tone you use, your body language, etc., are highly important. Change and modify your speech. You will see a difference. In silence, you can hear Sai talk to you. Make sure that you are listening. दिस इज सो अमेजिंग एंड सो रिलेटेबल बिकॉज अभी एक सेकेंड पहले ही मैंने आपसे ये बात करी थी डैट वी रियली हैव टू बे इन द मोमेंट इन ऑर्डर टू लिसन टू आर एंजल्स टू आर गाइड्स टू आर स्पिरिट गाइड्स थैंक यू सो मच साई और एड गाइड्स तो अगर आपने जेड क्रिस्टल को चूज करा था तो देखते हैं कि आज गाइडेंस क्या है आपके लिए मेरा साई तेरा शुक्र है Donate in my name, and I shall see you. You have enough. Gratitude is the key to abundance. Universe is energy. The more you are in gratitude for something, the more you will attract in abundance. So, whatever you lack in your life, may it be money, love, food, keep donating and giving it selflessly, and you will begin to receive. To receive, you must give, and to attract, you must let go. दिस इज सो दो ट्रू अभी होता क्या है थैंक यू सो मच साई होता क्या है कि जनरली लोग डोनेशंस देते हैं एन जी ओ के साथ कनेक्ट हो जाते हैं देन दे गि देयर देयर दे शेयर देयर इनकम दे शेयर देयर रिसोर्स एवरी थिंग बट पब्लिक कर देते हैं उन चीज़ों को पब्लिक में दिखाते हैं विच इज़ नॉट विच शुड नॉट बी डन कहते हैं ना कि अगर आप एक हाथ से दान दें तो दूसरे हाथ को पता भी नहीं पड़ना चाहिए नॉ देर इज़ अ रीज़न बिहड इट अगर आप बत कर बता के कर रहे हैं किसी के लिए तो उस करे का कोई फ़ायदा नहीं है इट इज़ ऑलवेज गुड कि अगर आप भगवान ने आपको इस लाइक बनाया है कि आप किसी की मदद कर सकें तो प्लीज़ मदद ज़रूर करें और उसके बारे में भूल जाएँ ऐसे बहुत ही कम लोग मैंने देखे हैं जो ये फॉलो करते हैं और मैं चाहूँगी कि मैं ज़्यादा ऐसे लोगों को देख सकूँ जो करते हैं और बताते नहीं हैं उस उम्मीद के साथ आ, हम आगे बढ़ते हैं जिन लोगों ने सेलेनाइट क्रिस्टल यूज़ करा था या चूज़ करा था उनके लिए देखते हैं गाइडेंस क्या है सिंप्लीफाई योर लाइफ व्हेन यू लिव सिंपली यू लेट गो ऑफ ऑल दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड यू शेड पार्ट ऑफ यू that does not serve you anymore. more sai baba showed us as a living example as how to live a simple life and high thinking he lived in a bare minimum and would humbly took round of the village to ask for food then he would share all he received with other animals and birds and then he ate the meal baba knew all the sacred text on his tips of the tongue he should he had the knowledge of the entire universe

और उस वांटिंग के डिज़ायर के चक्कर में वो बहुत 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 कुछ खो देते हैं सो इट इज़ ऑलवेज सेड दैट जितना चाहिए उतना लीजिए उतना रखिए एंड देन लिव योर लाइफ इनफैक्ट आजकल तो कल्चर भी आ गया है ना, मिनिमल लाइफ उसको फॉलो करके देखिएगा बहुत मज़ा आता है और पैसे भी बचते हैं एनर्जी भी बचती है और हमारी लाइफ का फोकस भी बढ़ जाता है सो so, मैं चाहूँगी कि आप लोग प्लीज़ ज़रूर शेयर करें इसके ऊपर थॉट कि आपको कैसा लगा आज की रीडिंग कैसी लगी आज की गाइडेंस और आने वाले टाइम पे अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई जो साईं बाबा के प्रवचन है या साईं बाबा की कोई बुक है अगर मैं उसको भी इनकॉरप्रेट करूँ रीडिंग के अंदर तो मुझे ज़रूर बताइएगा उसी उम्मीद के साथ मैं डॉक्टर प्रिया कौर आपसे अब अलविदा चाहूँगी मिलेंगे अगली वीडियो में धन्यवाद